पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर बुधवार को पुलिस परेड ग्राउंड स्थित स्मृति स्थल पर एडीजी दावा शेरपा सहित अन्य अधिकारियों ने वीर शहीद जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया, जिसके संबंध में एडीजी जोन दावा शेरपा ने बताया कि 21 अक्टूबर 1962 को सीआरपीएफ जवानों की एक टुकड़ी चीन की सीमा पर तैनात थी। गश्त के दौरान चीनी सेना ने लद्दाख के हॉट स्प्रिंग नामक स्थान पर सीआरपीएफ के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला कर दिया। सीआरपीएफ जवानों ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर संसाधनों की कमी होने के बावजूद चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर डीआईजी रेंज राजेश जी मोदक, एसएसपी जोगिंदर कुमार, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, एसपी साउथ उपल कुमार श्रीवास्तव, सीओ कैंट सुमित शुक्ला, सीओ कोतवाली वीपी सिंह, सीओ बासगौन नितेश सिंह, सीओ गोला श्यामदेव, सीओ खजनी योगेंद्र कृष्ण नारायण, आरआई उमेश कुमार दुबे, सुभाष भारती सहित पुलिस के अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन दावा शेरपा ने कहा, आगमन होने वाला है, अभिवादन स्वीकार कर मंच के तरफ प्रस्थान करते हैं। आज हम सभी यहाँ हमारे शहीद साथियों को याद करने के लिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं अपने ओर से और आप सब की ओर से, जो हमारे साथी अपने कर्तव्य निभाते हुए हमारे बीच से शहीद हो गए हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए से इस प्रेरणा स्रोत को भी जागृत रखने की आह्वान करता हूँ, जिससे कि अपने मातृभूमि और अपने संगठन के जो कर्तव्य है उसके पर उसके लिए जी जान से जुटे रहने की आह्वान करता हूँ। अब मैं पिछले एक वर्ष में अर्थात 1/9/2019 से 31/8/2020 तक की अवधि में कर्तव्य पथ पर शहीद हुए पुलिस कर्मियों की शौर्य गाथा और उससे संबंधित पुस्तक में से संख्या एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के जो लोग हैं जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ। वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से 1/9/2019 से 31/8/2020 की अवधि में वीरगति को प्राप्त हुए पुलिस कर्मियों के नाम इस प्रकार है। स्वर्गीय देवेंद्र मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक जनपद कानपुर नगर, स्वर्गीय अनुप कुमार सिंह, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस कानपुर नगर, स्वर्गीय महेश कुमार यादव, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस कानपुर नगर, स्वर्गीय नेबूलाल, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस जनपद कानपुर नगर, स्वर्गीय जितेंद्र पाल, आरक्षी नागरिक पुलिस कानपुर नगर, स्वर्गीय सुल्तान सिंह, आरक्षी नागरिक पुलिस कानपुर नगर, राहुल कुमार, आरक्षी नागरिक पुलिस जनपद कानपुर नगर, स्वर्गीय बबलू कुमार, आरक्षी जनपद कानपुर नगर,
ये आप सभी लोगों को याद होगा कि जो 3 जुलाई को कानपुर नगर में ये जो घटना हुई थी और जहां बदमाशों से मुकाबला में ये हमारे साथी शहीद हुए हैं। अब मैं संपूर्ण भारत में कुल 664 पुलिसजनों द्वारा कर्तव्य की वेदी पर अपनी जीवन आहुतियाँ दी गई है, इनकी मैं अब संख्या आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आंध्र प्रदेश से 3, अरुणाचल प्रदेश से 2, बिहार से 9, छत्तीसगढ़ से 25, हरियाणा से 2, झारखंड से 8, कर्नाटक से 17, मध्य प्रदेश से 7, महाराष्ट्र से 5, मणिपुर से 2, पंजाब से 2, राजस्थान से 2, तमिलनाडु से 3, त्रिपुरा से 2, उत्तर प्रदेश से कुल 9, उत्तराखंड से 6, पश्चिम बंगाल से 11, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 2, दिल्ली राज्य से 11, जम्मू कश्मीर से 12, असम राइफल्स से 3, बीएसएफ से 25, सीआईएसएफ से 7, सीआरपीएफ से 29 और एफएससीडी से 4, आईटीबीपी से 18, एमएचए से 9, आरपीएफ से 14, एसएसबी से 15 जवान सम्मिलित है और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो कर्मी है उनका नाम मैं पहले कर चुका हूँ। इस प्रकार आज हम सभी लोग इन महान वीरों को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन प्रकट करते हैं तथा उनके जीवन से अपनी ओर जो अपने को जो शिक्षा और कर्तव्य के प्रति समर्पण का भाव ग्रहण करने की जो प्रेरणा है उसको हम प्राप्त करते हैं। शहीद पुस्तिका प्राप्त कर शहीद पुस्तिका समर्पित करने के उपरांत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा शहीद स्थल क्रमश वरिष्ठ अधिकारी गण महोदय द्वारा रीत का प्रस्तुतिकरण
अब परेड विसर्जन की का परेड विसर्जन। आज सर ये किस तरह का आज शहीद दिवस आप सबको पता है 31 अक्टूबर को हम हर वर्ष शहीद दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। आपको याद होगा कि भारतीय पुलिस और विशेषकर CRPF से कि जो जवानों ने 1962 के युद्ध के समय में जो चाइनीज़ टेरिटरी में उसके साथ जो मुकाबला किया है और उसमें शहीद हुए हैं, उसी के बाद से हम हर वर्ष अपने उन साथियों को याद करते हैं जो बीते वर्षों में हमसे बिछड़ गए हैं या अपने कर्तव्य पथ पर शहीद हुए हैं। तो इसी प्रकार आज हम लोग पुलिस लाइन गोरखपुर में उन शहीदों को याद करने, श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए एकत्रित हुए हैं।